हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक। ये आज हमारा जो वीडियो है ये हमारा थर्ड चैप्टर क्लास 12th बिजनेस स्टडीज का, जिसका नाम है बिजनेस एनवायरनमेंट, उसका फर्स्ट वीडियो है। हालांकि इसकी जो लाइव क्लासेस थी उसके वीडियोस मैं पहले ही यूट्यूब पे अपलोड कर चुका हूँ, लेकिन मैंने सोचा कि थोड़े से क्लियर सिर्फ वीडियोस, क्योंकि जब लाइव क्लास होती है जूम ऐप पे या किसी भी ऐप पे तो उसमें एक टू वे कम्युनिकेशन होती है, और उस टू वे कम्युनिकेशन में कुछ बीच बीच में आवाज़ें बच्चों की भी आती है, तो कहीं ना कहीं उन वीडियोज़ में थोड़ी सी क्लैरिटी जो है वो कम हो जाती है। तो मैंने सोचा कि एक बिल्कुल ही क्लियर वीडियो सिर्फ मेरी बोलने के वो मैं रिकॉर्ड करूँ। तो उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए मैंने अपना बिजनेस एनवायरनमेंट जो लेक्चर है जिसके मैं वीडियोज़ रिकॉर्ड कर चुका हूँ उसके वीडियोज़ मैंने बनाए हैं, और ये उसका फर्स्ट वीडियो है हमारे थर्ड चैप्टर बिजनेस एनवायरनमेंट का। अब हमें ये देखना है कि इस वीडियो में हमारा क्या क्या टॉपिक्स कवर्ड है। इस वीडियो में हमारे दो टॉपिक्स कवर होंगे, पहला इंट्रोडक्शन एंड दूसरा जो टॉपिक है वो हम कवर करने की कोशिश करेंगे डायमेंशंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। इसके नोट्स वगैरह भी हमारे अवेलेबल है, अगर किसी को चाहिए हो तो वो मुझे बता दीजिए, मैं उसको सॉफ्ट कॉपी उसकी सेंड कर दूंगा। तो सबसे पहले समझते हैं कि सर ये जो हमारा चैप्टर है ये कितने मार्क्स का। तो बच्चों ये आपको दिलवाएगा पेपर में 5 मार्क्स, ये आपको सिर्फ 5 मार्क्स दिलवाएगा। है भी छोटा सा चैप्टर, ज़्यादा बड़ा चौड़ा चैप्टर नहीं है। तो बात करते हैं कि बिजनेस एनवायरनमेंट होता क्या है। देखिए बिजनेस एनवायरनमेंट जो वर्ड जो टर्म है ये दो वर्ड्स से बनी है, बिजनेस एंड एनवायरनमेंट। बिजनेस का मतलब हमें पता ही है, बिजनेस क्या होता है, बिजनेस जो हमारा व्यवसाय है उसको हम बिजनेस कहते हैं। अब क्वेश्चन उठता है कि सर एनवायरनमेंट का क्या मतलब होता है। तो बच्चों एनवायरनमेंट का मतलब होता है सराउंडिंग्स। तो बिजनेस की जो सराउंडिंग्स है उसको हम एनवायरनमेंट कहते हैं। अगर हम बिल्कुल ईजी भाषा में बात करें, बिल्कुल ही लूज लाइट भाषा में, लेमन की भाषा में बात करें, तो यही मतलब होता है बिजनेस एनवायरनमेंट का। लेकिन इतना ईजी ये नहीं है, हमें इसकी डिटेल में जाना है। तो देखो बच्चों, ये जो आपका एक शरीर है, आपकी बॉडी है, इसको दो वजहों से ये खराब हो सकती है, इसको इफेक्ट हो सकता है। एक तो कुछ चीजें इस बॉडी के अंदर ही चल रही है, कुछ आपका कोई पार्ट खराब हो गया बॉडी का, या कुछ हो गया उसमें कोई इन्फेक्शन हो गया, कुछ हो गया, तो ये तो हो गया आपका इंटरनल रीजंस। और हो सकता है आप चल रहे हो कहीं, आपको कोई कील लग गई, कुछ लग गई, तो आपको बाहर की किसी चीज से चोट लग गई, तो वो होता है हमारा एक्सटर्नल फैक्टर्स। मतलब कहने का मतलब क्या हुआ, मान लीजिए आपका कोई ऑर्गन डेवलप ही नहीं हुआ या ऑर्गन फेल हो गया है बॉडी में, वो तो हो गया इंटरनल रीजंस की वजह से आपकी तबीयत खराब होना। और मान लीजिए आप चल रहे हैं, कोई आपको कोई चोट लग जाती है, एक्सटर्नली कोई चोट लग जाती है, तो वो हो गए आपके एक्सटर्नल फैक्टर्स। बिल्कुल वैसे ही बिजनेस को भी दो तरीके के फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं, और वो दो फैक्टर्स कौन से होते हैं। पहला, कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो बिजनेस के अंदर ही होते हैं, मतलब जिनके ऊपर मेरा कंट्रोल है, वो फैक्टर्स को हम कहते हैं इंटरनल फैक्टर्स या कंट्रोलेबल फैक्टर्स। और कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं जिनके ऊपर बिजनेस का कोई कंट्रोल नहीं है, उनको हम कहते हैं एक्सटर्नल फैक्टर्स, जैसे कि पॉलिटिकल व्यू पॉइंट्स, टेक्नोलॉजिकल अपग्रेड, टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स हो गए, सोशल फैक्टर्स हो गए, इसमें बिजनेस का कोई भी कंट्रोल नहीं होता, ये होते हमारे एक्सटर्नल फैक्टर्स। तो हमें ये समझना है कि इस चैप्टर में हम सिर्फ और सिर्फ क्या कवर करेंगे, एक्सटर्नल फैक्टर्स कवर करेंगे, इंटरनल फैक्टर्स के बारे में हम बात नहीं करेंगे। तो जल्दी से आइए बिजनेस के एनवायरनमेंट की डेफिनेशन को करते हैं। देखिए इस डायग्राम को देखिएगा थोड़ा सा। हाँ मैं समझ रहा हूँ कि मेरी जो ड्रॉइंग है वो बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन हाँ इतनी अच्छी तो है कि आपको समझ आ जाए कि मैंने क्या बनाया है यहाँ पे। बेटा ये जो मैंने बनाया है बॉक्स, इसको हम यूनिवर्स का नाम देंगे। ये जो रेक्टेंगल बॉक्स है ये, इसको आप एक यूनिवर्स मान के चलिए, और इसके अंदर एक छोटा सा ये जो मैंने गोला बनाया है ये आपका बिजनेस है। अब आप देखिएगा मैंने इसके बाहर कुछ चीजें बनाई है जो कि यूनिवर्स के तो अंदर है लेकिन बिजनेस के बाहर है। ये क्या है, ये सबसे पहले देखते हैं ये क्या है। ये है आप और मैं, तो इनको मैं नाम दूंगा इंडिविजुअल्स का। उसके बाद आज ये मैंने कुछ घर से बनाए है, ये मैंने बनाया है आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ये मैंने बनाया है आईटी डिपार्टमेंट, तो मैं इनको नाम दूंगा इंस्टीट्यूशंस का। और इसके बाद ये मैंने ऐसे लिखा है रुपीस वर्सेस डॉलर, और आज के टाइम में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज COVID-19 इन्फ्लेशन एक्सेट्रा, तो इसको मैं नाम दूंगा अदर फोर्सेस का। एक बात बताइए, क्या बिजनेस को लोग इफेक्ट करते हैं? बिल्कुल। आप अगर मेरी क्लासेस को ज्वाइन करोगे तो मेरा बिजनेस फ्लरिश करेगा, नहीं करोगे तो मेरा बिजनेस फ्लरिश नहीं करेगा। तो आप इंसान हो, आप इंडिविजुअल हो, तो इंडिविजुअल मेरे बिजनेस को इफेक्ट करते हैं। लेकिन क्या मेरा आपके ऊपर कोई कंट्रोल है, क्या मैं आपको घर से पकड़ के ला सकता हूँ कि भैया मेरी क्लासेस को ज्वाइन कर? बिल्कुल भी नहीं। तो इसका मतलब क्या हुआ, इंडिविजुअल्स
दूसरा पॉलिटिकल पार्टीज कैसे सॉरी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के क्या पॉलिसीज आ रही है, जैसे अभी 20 लाख करोड़ का पैकेज डिक्लेयर किया गवर्नमेंट ने, ये सब चीज़ें जो है आरबीआई की क्या पॉलिसीज है, डिमोनेटाइजेशन वगैरह जो हुआ था, तो एक बात बताइए क्या इन पे मेरा कोई कंट्रोल है? नहीं, लेकिन हाँ मेरा बिजनेस इनसे भी क्या होता है, इफेक्ट होता है, तो ये क्या हो गए इंस्टीट्यूशंस। एंड तीसरा इसके अलावा और क्या चीज हमारे बिजनेस को इफेक्ट कर सकती है, ऐसी अदर फोर्सेस, जैसे COVID-19 अभी इस वक्त फैला हुआ है और इस वक्त देखिए सारे बिजनेस उससे इफेक्ट हो रहे, तो COVID-19 हो गया, रुपीस का क्या रेट है इन कंपैरिजन टू डॉलर, इन्फ्लेशन क्या रेट है, पॉलिटिकल पार्टी कौन सी भी पार्टी उसमें है सत्ता में है, वो सब चीजें अदर फोर्सेस। तो कहने का क्या मतलब हो गया, बिजनेस का इन लोगों पे इन चीजों पे कोई कंट्रोल नहीं है, लेकिन ये सारी चीजें बिजनेस को इफेक्ट करती है और इसी को हम क्या कहते हैं, बिजनेस एनवायरनमेंट। देखिए जल्दी से डेफिनेशन को रीड करते हैं। द टर्म बिजनेस एनवायरनमेंट मींस द सम टोटल ऑफ, इन सब का सम टोटल ऑफ ऑल द इंडिविजुअल्स इंस्टीट्यूशंस एंड अदर फोर्सेस that are outside the control of a business enterprise but that may affect its performance. बहुत ही सिंपल डेफिनेशन है, आइए जल्दी से मेरे साथ बोले कि तीन चार बार आपको याद होगी। बिजनेस एनवायरमेंट इज द सम टोटल ऑफ ऑल द इंडिविजुअल्स इंस्टीट्यूशंस एंड अदर फोर्सेस दैट आर आउटसाइड द कंट्रोल ऑफ अ बिजनेस एंटरप्राइज बट मे इफेक्ट इट्स परफॉर्मेंस। फिर से बोलेंगे बिजनेस एंटरप्राइज बिजनेस द टर्म बिजनेस एनवायरमेंट मीन्स द सम टोटल ऑफ ऑल द इंडिविजुअल्स इंस्टीट्यूशंस एंड अदर फोर्सेस दैट आर आउटसाइड द कंट्रोल ऑफ अ बिजनेस एंटरप्राइज बट मे इफेक्ट इट्स परफॉर्मेंस। फिर से बोलेंगे द टर्म बिजनेस एनवायरमेंट मीन्स द सम टोटल ऑफ all the individuals, institutions and other forces that are outside the control of a business but may affect its performance. फिर से बोलेंगे the term business enterprise means the sum total of all the individuals, institutions and other forces that are outside the control of a business but may affect its performance. तो बच्चों अब आपसे रिक्वेस्ट, आप इस वीडियो को यहीं पे पॉज करिए और इस डेफिनेशन को कम से कम पांच बार लिखिए आगे बढ़ने से पहले। अब हम अपना कौन सा टॉपिक करेंगे, अब हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक करेंगे डायमेंशंस ऑफ अ बिजनेस एनवायरनमेंट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एमसीक्यूज एंड फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ केस स्टडीज। तो जल्दी से इस वीडियो को पॉज करके पहले ये डेफिनेशन को पांच बार लिखिएगा। ओके बच्चों, तो अभी तक आपने बिजनेस एनवायरनमेंट की जो डेफिनेशन है वो बहुत अच्छे से याद कर ली होगी। एक बार जल्दी से बिजनेस एनवायरनमेंट की डेफिनेशन को रिवाइज करते हैं, आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर जिसका क्या नाम है डायमेंशंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट एंड इट्स अ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, यू कैन से फॉर एमसीक्यूज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो जल्दी से एक बार बिजनेस एनवायरनमेंट की डेफिनेशन देखते हैं। बिजनेस एनवायरनमेंट इज द सम टोटल ऑफ ऑल द इंडिविजुअल्स इंस्टीट्यूशंस एंड अदर फोर्सेस और फैक्टर्स दैट आर आउटसाइड द कंट्रोल ऑफ बिजनेस बट मे इफेक्ट इट्स परफॉर्मेंस। तो अच्छे से आपको याद होने के बाद आइए अब हम डायमेंशन देखते हैं। सबसे पहले हमें देखना है कि सर आपने ये बनाया क्या है। तो बच्चों मैंने आपको जैसे भी हमने डेफिनेशन भी बोली तो डेफिनेशन में तीन वर्ड्स आए थे, इंडिविजुअल्स, इंस्टीट्यूशंस एंड अदर फोर्सेस। तो ये जो तीन एलिमेंट्स होते हैं हमारे बिजनेस एनवायरनमेंट के, उसको हम फाइव पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। कितने पार्ट्स में? फाइव पार्ट्स में। और वो हमारे पांच क्या बन जाएंगे, द फाइव एक्सटर्नल डायमेंशंस ऑफ द बिजनेस एनवायरनमेंट या द फाइव एक्सटर्नल उसको कह लीजिए कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द बिजनेस एनवायरनमेंट्स। तो हमारे क्या होते हैं वो पांच, इन तीन को हमने पांच में स्प्रेड किया और वो पांच हमारे क्या हो गए, सोशल एनवायरनमेंट, लीगल एनवायरनमेंट, इकोनॉमिकल एनवायरनमेंट, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट एंड टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट। तो ये हमारे पांच तरीके के एनवायरनमेंट्स होते हैं जो अब हमें पढ़ने हैं। और देखिए कि अगर आप, तो मैंने सबका फर्स्ट अल्फाबेट को अंडरलाइन किया है और उसी के बाद मैंने यहाँ पे एक पाई चार्ट जैसा भी बनाया है, सोशल, लीगल, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल, टेक्नोलॉजिकल, और इसका एक स्लैंग भी है हमारा स्लैप। तो हमारा छोटा सा स्लैंग बन गया स्लैप, एस से सोशल एनवायरनमेंट, एल से लीगल एनवायरनमेंट, ई से इकोनॉमिकल एनवायरनमेंट, पी से पॉलिटिकल एनवायरनमेंट एंड टी से टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट। अब बच्चों क्वेश्चन उठता है कि सर क्या ये पांचों के पांचों एनवायरनमेंट एक साथ लिखने को आ सकते हैं? तो इसका आंसर है नहीं, कभी नहीं। ऐसा कभी नहीं होगा कि आपका डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा राइट डाउन द फाइव डायमेंशंस ऑफ द बिजनेस एनवायरनमेंट। अब आप इतने छोटे नहीं रहे, प्लस अब आपका जो पेपर है वो एमसीक्यूज बेस्ड होता है, तो इस चीज को तो आप भूल ही जाइए कि इतना डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा। तो सर फिर हमें ये स्लैंग क्यों दे रहे हो आप? बेटा कभी कभी क्या होगा, जैसे मैंने कहा इसमें एमसीक्यूज और केस स्टडीज आएगी और भय भय के आएगी, तो हो सकता है आपको मन में क्वेश्चन जब आपने पढ़ा तो आपको आंसर आ गया याद। जैसे कभी कभी होती है ना कि बात जुबान दिल में आ जाती है, जुबान तक नहीं आती, वही बात हो गई कि आपको याद तो आ रहा है कि हाँ सर हमने पढ़ा था ये, लेकिन आपके मन से वो स्किप हो गया उसका नाम, इन पांचों में से आपका कोई नाम आपके मन से दिमाग से स्किप हो गया, तो आपको ये स्लैंग वहां पे मदद करेगा। तो स्लैंग एक सिंपल सा स्लैंग है, वैसे आपको इजिली याद हो ही जाएगा, बट अगर नहीं होता तो आप स्लैंग के थ्रू उसको याद
कर सकते हैं। तो हमारे पांच डायमेंशन क्या होगी बिजनेस एनवायरमेंट की, सोशल, लीगल, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल, टेक्नोलॉजिकल। ओके, अब हम एक एक करके हमें देखना है कि इन डायमेंशन में होता क्या है और हमें कैसे पता चलेगा कि अगर हमारे सामने कोई केस स्टडी आ जाती है या कोई एमसीक्यू आ जाता है तो हमें कैसे पता चलेगा कि वो सोशल एनवायरमेंट की बात हो रही है, वो लीगल की हो रही है, वो इकोनॉमिकल की हो रही है, वो पॉलिटिकल की हो रही है, वो टेक्नोलॉजिकल की हो रही है। क्योंकि बेसिकली ये क्वेश्चन आएगा आपका आइडेंटिफिकेशन में, ये क्वेश्चन आपका आइडेंटिफिकेशन ऑफ एनवायरमेंट के थ्रू ही आ सकता है और एमसीक्यूज में भी आ सकता है और केस स्टडीज में भी आ सकता है। तो हमें पता होना चाहिए कि हर एनवायरमेंट में क्या चीज कॉन्स्टिट्यूट हो रही है, उसके बाद हम इजीली इसको कर लेंगे। तो आइए हम एक एक करके करते हैं। तो बच्चों जब हम ये करें हमें एक बहुत अच्छी डिस्कशन करनी है, तभी मैं जब हमने लाइव क्लास ली थी इसकी तो हमने डिस्कशन की थी। अब वो भी मैंने अपलोड कर रखे हैं और ये तो वन साइडेड कम्युनिकेशन है, ये तो वीडियोस है। तो कोशिश मैं ये करूंगा कि जितने भी क्वेश्चंस आपके मन में आ सकते हैं मैं वो यहाँ पे कवर कर दूं, आपको दिक्कत नहीं आएगी। बट मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप ये भी देखिए और इसके साथ साथ जो इसके लाइव लेक्चर्स है उनको भी देखिए, तो आपको 100% क्लैरिटी आ जाएगी, आपके मन से बिल्कुल ही इतनी सी भी जो डाउट है वो आपके मन में नहीं रहेगा। चलिए अब शुरू करते हैं। सबसे पहले हम अपना शुरू करने जा रहे हैं इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। तो बच्चों मुझे ये बताइए, अगर मैं आपसे पूछूं कि एक देश का, मैं आपसे पूछ रहा हूँ एज एक सिंपल क्वेश्चन, भूल जाइए कि आप बिजनेस स्टडीज क्लास 12 के बच्चे हैं और आपको कुछ मैं बिजनेस स्टडीज से रिलेटेड पूछ रहा हूँ, बस अगर आपसे एक सिंपल क्वेश्चन ये पूछूं कि आप मुझे ये बताइए कि किसी भी देश के, अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि इकोनॉमिक एनवायरमेंट में क्या आता है, तो सबसे पहले आप क्या बोलोगे कि इकोनॉमी को, किसी भी देश की इकोनॉमी को अगर आपको बताना है किसी को, तो आप क्या बोलोगे? उसका GDP कितना है, उसकी एग्रीकल्चर ग्रोथ क्या है, उसका पर कैपिटा इनकम क्या है, उसकी लोगों की डिस्पोजेबल इनकम क्या है, पॉपुलेशन वो उसमें सॉरी उसकी रुपीस का डॉलर के साथ क्या रेट है, उस कंट्री में इन्फ्लेशन रेट क्या चल रहा है, उस कंट्री का BSE सेंसेक्स क्या है, मतलब उस कंट्री का सेंस वो जो क्या कहते हैं उसको जो इंडेक्स होते हैं, स्टॉक एक्सचेंज इंडेक्स होते हैं, वो क्या चल रहा है, यही सब, बस यही है। तो अगर हम बात करते हैं इकोनॉमिक एनवायरमेंट की तो हमारी क्या चीज आती है इकोनॉमिक एनवायरमेंट में? इंटरेस्ट रेट, इन्फ्लेशन रेट, GDP, पर कैपिटा इनकम, डिस्पोजेबल इनकम, स्टॉक मार्केट इंडेक्सेस, द रेट, द वैल्यू ऑफ द करेंसी विद रिस्पेक्ट टू अदर करेंसीज एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो दिस इज व्हाट द इकोनॉमिक एनवायरमेंट कॉन्स्टिट्यूट्स ऑफ द बिजनेस एनवायरमेंट। लेकिन ये तो बड़ा सिंपल हो गया, अब हम इसको कुछ क्वेश्चन से समझते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ, एक बात बताइए, दो ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जो अक्सर लोग लोन पे लेते हैं इवन दो उनके पास पैसे हो, मतलब अगर लोगों के पास पैसे है भी तब भी दो ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जिनको लोग लोन पे लेना पसंद करते हैं। और मेरे को पता है आप लोगों के सबके मन में किसका आंसर आ चुका होगा, एक तो होती है गाड़ियां, आपको पता ही है कि वो EMI पे ली जाती है, और दूसरा होता है घर। तो एक होता है घर और एक होती है गाड़ियां। अब मेरा दूसरा सवाल आपसे कि अगर बैंक्स जो है हमारे, अगर बैंक्स लोन सॉरी कार एंड हाउस, इन दोनों का जो लोन होता है हाउसिंग लोन एंड ऑटोमोबाइल लोन्स, अगर इसका रेट बढ़ा देंगे तो लोग उसको कम खरीदेंगे कि ज्यादा खरीदेंगे? आपके मन में आंसर बिल्कुल ठीक आया होगा, लोग इसको क्या करना शुरू कर देंगे? कम खरीदना शुरू कर देंगे, क्योंकि अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएगा तो वो स्पेंडिंग कम कर देंगे इन ऑन दीज आइटम्स। तो इससे मुझे बताइए कि कौन सी दो इंडस्ट्रीज है जो सबसे ज्यादा इफेक्ट होगी? तो दो इंडस्ट्रीज सबसे ज्यादा इफेक्ट कौन सी होगी? ऑटोमोबाइल एंड कंस्ट्रक्शन कंपनीज। और अगर ये उल्टा हो जाए, अगर लोन के रेट कम हो जाए, अगर लोन सस्ता हो जाए तो लोग ज्यादा गाड़ियां लेनी पसंद करेंगे, क्योंकि उनको लगेगा चलो एक खड़ी एक और खड़ी कर लेते हैं गाड़ी, एक और यूज हो जाएगी लोन, वैसे ही लोन का रेट इतना कम है तो लोग हो सकता है कि ज्यादा स्पेंडिंग कर दे। और से कौन सी दो इंडस्ट्रीज इफेक्ट सबसे ज्यादा इफेक्ट होगी? अगेन ऑटोमोबाइल एंड कंस्ट्रक्शन। तो आपको एक पहला एग्जांपल है। दूसरा एग्जांपल, एक बात बताइए, GDP जो होता है, एक देश का जो GDP होता है वो किस चीज का इंडिकेटर होता है? क्या हम ये बोल सकते हैं कि GDP इज द इंडिकेटर ऑफ पर कैपिटा इनकम? उससे हमें पता चलता है कि एक देश की पर कैपिटा इनकम क्या है, और पर कैपिटा इनकम से हमें पता चलता है कि एक बंदे की डिस्पोजेबल इनकम क्या है। तो एक बात बताइएगा कि अगर किसी देश की GDP बहुत ज्यादा है, अगर GDP ज्यादा है इसका मतलब उस देश की पर कैपिटा इनकम ज्यादा है, और अगर उस देश की पर कैपिटा इनकम ज्यादा है इसका मतलब उस देश की डिस्पोजेबल इनकम ज्यादा है, उस देश के लोगों की डिस्पोजेबल इनकम ज्यादा है। और अगर आपके पास डिस्पोजेबल इनकम ज्यादा है मतलब आपके पास स्पेंडिंग के लिए ज्यादा पैसा है, तो क्या आप कम खरीदना पसंद करोगे, ज्यादा या ज्यादा? तो
मेरे हिसाब से तो जब हमारे पास ज्यादा पैसे होते हैं तो हम वो चीजें भी खरीदते हैं जिनकी हमारे को जरूरत नहीं होती, हाँ लेकिन चाहत होती है, मतलब वो नेसेसिटी नहीं होती बट हाँ वॉन्ट्स होती है। तो अगर आप बताइए मेरे को कि अगर किसी देश की जीडीपी ज्यादा है इसका मतलब पर कैपिटल इनकम ज्यादा है, पर कैपिटल इनकम ज्यादा है इसका मतलब हमारी परचेजिंग पावर लोगों की ज्यादा है और उसकी डिस्पोजेबल इनकम ज्यादा है, तो ये गुड न्यूज है इकोनॉमी के लिए कि बैड है? ऑब्वियसली इट इज अ गुड न्यूज, क्योंकि जो इकोनॉमी है उसमें बूस्ट रहेगा, जो बिजनेसेस है वो फ्लरिश करेंगे, लोगों के पास पैसा है वो ज्यादा चीजें खरीदेंगे तो बिजनेसमैन भी खुश रहेगा, तो इट इज अ गुड न्यूज फॉर द इकोनॉमी। तीसरा एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, इन्फ्लेशन। हम सबको पता है इन्फ्लेशन क्या होता है, इन्फ्लेशन होती है राइज इन प्राइसेस। अब एक बात बताइए, मैं इसी पेन की बात करता हूँ, लेट अस ज़ूम, बड़ा सिंपल सा एग्जांपल है, मेरे हाथ में पेन है, मैंने इसी का एग्जांपल बना दिया। मान लीजिए पहले आज से कुछ टाइम पहले मुझे इस पेन को बनाने की कॉस्ट आती थी 15 रुपीज और मैं 25 रुपीज का इसको सेल करता था, आई वॉज वेरी हैप्पी। अब क्या हुआ, लॉकडाउन की वजह से पीछे से माल आना थोड़ा सा मुश्किल हो गया या कोई भी वजह लगा लो, किसी भी वजह से अब इसकी जो कॉस्ट पड़ रही है मुझे, आप 6 मंथ्स के बाद अब जो कॉस्ट पड़ रही है, पहले 6 महीने पहले मैंने आपको बताया, तो इसकी कॉस्ट अब मुझे पड़ रही है 18 रुपीज, तो मेरी 3 रुपए की कॉस्ट बढ़ गई। क्या मेरा सेलिंग प्राइस भी 25 से 28 हो जाएगा? वो ऐसा नहीं है कि सेलिंग प्राइस में कॉस्ट फंडिंगली बढ़ जाएगा, हो सकता है मैं सेलिंग प्राइस अभी बढ़ा ही ना पाऊँ क्योंकि सेलिंग प्राइस में इतनी जल्दी जल्दी फ्रीक्वेंटली नहीं बढ़ा सकता। तो मान लीजिए सेलिंग प्राइस मेरा 25 ही रहा, तो मेरा तो प्रॉफिट मार्जिन जो पहले 10 रुपए का था वो तो मेरा कम हो गया, और वो कितने रुपए का रह गया, 7 रुपए का। तो इसका मतलब मेरे लिए तो ये अच्छी बात नहीं है, जिस चीज पे पहले मैं 10 रुपए कमा पाता था मैं उस पर 7 रुपए कमा पा रहा हूँ। तो क्या मैं कह सकता हूँ कि अगर मार्केट में इन्फ्लेशन है इट इज नॉट अ गुड न्यूज फॉर द बिजनेसेस, क्योंकि उससे उनकी कॉस्ट बढ़ सकती है, एंड इट इज नॉट ऑलवेज पॉसिबल कि आप उसकी कॉरेस्पॉन्डिंगली क्या बढ़ा पाए, प्राइस बढ़ा पाए। अगर प्राइस आप उसकी कॉरेस्पॉन्डिंगली प्राइस बढ़ा पा रहे तब तो अच्छी बात है, बट ऐसा हर बार नहीं होता कि आप उसकी कॉरेस्पॉन्डिंगली प्राइस को बढ़ा पाए। तो दिस इज वॉट द पॉइंट। आइए जल्दी से इसको रीड करते हैं, एक एक करके रीड करते रहेंगे। बस यही था, ये कुछ एग्जांपल्स थे, इस सारे के सारे एग्जांपल्स बच्चों आपके एनसीईआरटी के ही है, तो आपको बड़ी इजीली मतलब आपको एनसीईआरटी की चीजें भी आपके इस वीडियो को देखते देखते कवर हो जाएगी। आइए जल्दी से रीड करते हैं। तो इकोनॉमिक एनवायरमेंट, इंटरेस्ट रेट, इन्फ्लेशन, आइए पेज नंबर 3.3 मेरे नोट्स के, इकोनॉमिक एनवायरमेंट पर आइए, इंटरेस्ट रेट, इन्फ्लेशन रेट, चेंजेस इन डिस्पोजेबल इनकम ऑफ पीपल, स्टॉक मार्केट इंडाइसेस। अब एक वर्ड आया है इंडाइसेस, अब सर इंडाइसेस का क्या मतलब होता है ये बताइए जरा। तो बेटा इंडाइसेस का मतलब कुछ भी नहीं होता, देखिए हमारे देश में बहुत सारी स्टॉक एक्सचेंज है, जैसे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है, दिल्ली स्टॉक एक्सचेंज पहले होती थी, और रीजनल स्टॉक एक्सचेंजेस है। जब हम इन सब स्टॉक एक्सचेंज का एक इंडेक्स होता है, इंडेक्स का क्या मतलब होता है, जो इसका एक नंबर होता है, जैसे आता है ना सेंसेक्स 30,000 चल रहा है, निफ्टी 5,000 चल रहा है, तो उसको हम इंडेक्स बोलते हैं। इंडेक्स होता है सिंगुलर, सिंगुलर की जब हम बात करते हैं तो वो इंडेक्स होता है, और जब हम बात कर देते हैं एक से ज्यादा इंडेक्सेस की तो वो बन जाते हैं इंडाइसेस। तो इंडाइसेस के ऊपर आप लिख लीजिए सिंपल, इंडाइसेस कुछ भी नहीं है, इंडाइसेस आर जस्ट द प्लूरल ऑफ इंडेक्सेस। तो आइए, स्टॉक मार्केट इंडेक्स, इंडाइसेस एंड द वैल्यू ऑफ रुपी आर सम ऑफ द इकोनॉमिक फैक्टर्स दैट कैन इफेक्ट द मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस इन अ बिजनेस एंटरप्राइज। फॉर एग्जांपल, इन केस ऑफ कंस्ट्रक्शन कंपनीज एंड ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स, लो लॉन्ग टर्म, देखिए मार्क करिए कंस्ट्रक्शन कंपनीज एंड ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स को, लो लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट रेट आर बेनिफिशियल बिकॉज दे रिजल्ट इन इंक्रीज स्पेंडिंग बाय द कंज्यूमर्स फॉर बाइंग होम्स एंड कार्स ऑन बोरोड मनी। आगे चलते हैं, सिमिलरली अ राइज इन द डिस्पोजेबल इनकम ऑफ पीपल ड्यू टू इंक्रीज इन द जीडीपी ऑफ अ कंट्री creates increasing demand for products. High inflation rates generally result in constraints मतलब रुकावट on business enterprise as they increase the various costs of business and such as purchase of raw material etc. तो बच्चों आपको समझ में आ गया, ये मतलब कहने का मतलब ये है कि इस पूरे टॉपिक में सिर्फ आपको पहला जो पॉइंट है वो ही याद करना है, और सारे पॉइंट्स तो सिर्फ इसके क्या है एग्जांपल है। तो ये हो गया हमारा इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। आइए, अगर आपको लगता है कि एक बार और आपको देखना है तो आप वीडियो को पॉज करके एक बार इतना फिर से सुनिए, वरना अगर आपको अच्छे से याद समझ आ गया है तो आइए आप अपने नेक्स्ट एनवायरनमेंट पर चलते हैं, नेक्स्ट डायमेंशन पर चलते हैं, जिसका क्या नाम है, सोशल एनवायरनमेंट। अगेन मेरा आपसे वही सवाल है कि अगर मैं आपसे सिंपली ये पूछूं कि एक देश के, अगेन ये भूल जाइए कि आप बिजनेस स्टडीज क्लास 12th के स्टूडेंट हो, मैं आपसे सिर्फ ये पूछ रहा हूँ कि एक देश के सोशल एनवायरनमेंट को अगर मैं आपसे पूछूं कि बताइए कि सोशल एनवायरनमेंट में क्या आता है, तो आप क्या बोलोगे? तो आप सबसे पहले बोलोगे कि क्या फेस्टिवल्स वहां बनते हैं, उस देश की क्या वैल्यूज है, क्या उसकी एथिक्स है, क्या उसका जो जनरली एक्सेप्टेड ट्रेंड्स है, यही चीजें आती है। तो बेसिकली आपने बिल्कुल सही बोला, 3 चीजें आती है एक देश के सोशल एनवायरनमेंट में। सबसे पहला होता है कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस। सबसे पहला क्या होता है? कस्टम्स
एंड ट्रेडिशंस। दूसरी चीज जो एक देश के सोशल एनवायरनमेंट में आती है वो आती है वैल्यूज, और तीसरी चीज जो एक देश के सोशल एनवायरनमेंट में आती है वो आती है ट्रेंड्स एंड सोसाइटीज एक्सपेक्टेशंस। तो ये तीन चीजें हैं जो एक देश के सोशल एनवायरनमेंट में आती है, और ये तीनों चीजें बिजनेस को इफेक्ट कर सकती है। इन चीजों से इन ये जो तीन चीजें हैं इनसे बिजनेस बढ़ भी सकता है और आपका बिजनेस इफेक्ट भी हो सकता है। तो इन तीनों के बारे में एक एक हम एग्जांपल से समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस। तो बच्चों एक बात बताइए, अगर मैं आपसे पूछूं कि इंडिया में कौन से त्यौहार मनाए जाते हैं तो आप बोलोगे दिवाली, होली, राखी। गलत बात, हम लोग एक सेक्युलर कंट्री में रहते हैं, बड़े सारे रिलीजन्स हैं, तो आप अपने सिर्फ हिंदू की मत बताए जाओ, आप सबके बताइए। तो हमारे देश में कौन से त्यौहार मनाए जाते हैं? हिंदू के लिए दिवाली होता है, सिखों के लिए गुरु पर्व होता है, अच्छा उसके बाद क्रिश्चियंस जो है उनके लिए क्रिसमस होता है, और जो मुस्लिम्स है उनके लिए कौन सा होता है? ईद। ये चारों त्यौहार अपने अपने रिलीजन के सबसे बड़े त्यौहार है। एक बात बताइए, जब ये मौसम आता है इन त्यौहारों का, जैसे गुरु पर्व, दिवाली या क्रिसमस या ईद का मौसम आता है, तो एक बात बताइए क्या होता है, किस चीज क्या होता है? पूरे मार्केट सजी हुई होती है, आप नए कपड़े लेते हैं, नए गिफ्ट लेते हैं, आप एक दूसरे को गिफ्ट देते हैं, मिठाइयाँ ली जाती है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो एक बात बताइए, जब ये त्यौहारों का सीजन आता है तो एक तरीके से गुड न्यूज होती है मार्केट में बिजनेसमैन के लिए कि बैड न्यूज? ऑब्वियसली बिजनेसमैन के लिए गुड न्यूज होती है, उसका बिजनेस फ्लरिश करता है। तो पहला तो ये हो गया कि कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस एक तरीके से नया बिजनेस लेके आते हैं बिजनेसमैन के लिए, एंड इट इज अ गुड न्यूज। अब बात करते हैं वैल्यूज की। तो सबसे पहले तो सवाल है, वन मार्क का क्वेश्चन भी है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म वैल्यूज? वैल्यू का मतलब क्या होता है? सर वैल्यू का मतलब होता है एक ऐसी बातें जिसको जो हमारा देश है वो ज्यादा वेटेज देता है, ज्यादा उसको तवज्जो देना, ज्यादा वेटेज देना। जैसे भारत में वैल्यू है, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि सब इक्वालिटी फॉर ऑल, और भी वैल्यू है वुमेन एम्पावरमेंट। तो विमेन एम्पावरमेंट की अगर हम बात करें, विमेन एम्पावरमेंट जो एक वैल्यू है जो सब लोग उसको बहुत ज्यादा मानते हैं, उस वजह से क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं हमारे आसपास वो समझते हैं। देखिए जब अब पहले ऐसा नहीं होता था आज से 20-25 साल पहले, लेकिन जब से विमेन को एक इक्वल दर्जा दिया जा रहा है लोगों के साथ, मेन के साथ, तो उसके क्या फायदे हो रहे हैं और क्या उसका इम्पैक्ट पड़ रहा है वो समझिएगा। क्योंकि विमेन को आज इक्वली ट्रीट किया जाता है विद द मेल काउंटर पार्ट इन द फैमिली, शी इज ऑल्सो वर्किंग, वो बाहर जाके घर से काम कर रही है। इसकी वजह से बहुत सी चीज़ों की डिमांड बढ़ गई जो पहले कभी एग्जिस्ट नहीं करती थी, जैसे हाउस मेड्स की। पहले मेड्स नहीं इतना लोग प्रेफर करते थे, बट अब एक नेसेसिटी हो गई है, क्योंकि अगर घर की लेडी जा रही है, घर से सब लोग जा रहे हैं, तो घर को पीछे से साफ सुथरा कौन रखेगा? तो इस चीज़ की और किस चीज़ की डिमांड बढ़ गई है? बच्चों को पहले घर पे मॉम जो मदर होती थी वो संभाल लेती, अब मदर ही नहीं है, मदर अगर बाहर जाके काम कर रही है तो घर में बच्चों को कौन संभालेगा? तो डिमांड बढ़ गई क्रेचेस की। क्रेच होती है जगह जहाँ पे बच्चे को मतलब छोड़ सकते हैं, वो डे केयर टाइप, प्ले स्कूल, इन सब चीज़ों की डिमांड बढ़ गई। कोचिंग्स की डिमांड बढ़ गई क्योंकि पढ़ाने वाला घर पे कोई नहीं है। इसके अलावा रेडी टू कुक फूड की डिमांड बढ़ गई क्योंकि बनाने वाला कोई नहीं है। तो इन सब चीजों की डिमांड बढ़ गई है, तो एक तरीके से नए बिजनेस एस्पेक्ट्स खुल गए हैं। अच्छा, कपड़ों की डिमांड बढ़ गई है, विमेन वेस्टर्न वियर की डिमांड बढ़ गई है, तो नए बिजनेस प्रोस्पेक्ट्स खुल गए हैं बिजनेसमैन के लिए। एक पॉजिटिव न्यूज आई है इसको लेकर। तो ये हमारा हो गया वैल्यूज की वजह से। अब बात करते हैं ट्रेंड्स एंड सोसाइटीज एक्सपेक्टेशंस। तो बच्चों कभी कभी जो एक ट्रेंड चल रहा है सोसाइटी में, जो एक हमारी सोसाइटी में ट्रेंड चल रहा है, उससे भी बहुत ज़्यादा बिजनेस इफेक्ट हो जाता है। फॉर एग्जांपल फिट लोग, एक नया ट्रेंड आया हुआ है कीटो डाइट का, या फिटनेस ट्रेंड आया हुआ है, हर इंसान बड़ा फिट होना चाहता है, अपना को फिट रखना चाहता है। इसकी वजह से क्या हुआ, कुछ बिजनेस बंद भी हुए, कुछ बिजनेस फ्लरिश कर गए, कुछ नए आ गए। जिम्स की तो डिमांड बढ़ गई, जिम्स खुल गए हैं, बहुत सारे हेल्थ सेंटर्स खुल गए। मेरे को देखकर आपको ऐसा नहीं लग सकता कि सर बड़ा जिम मतलब वो हेल्थ फ्रीक है, मैं तो ऑब्वियसली नहीं हूँ, बट इतने लोग हेल्थ फ्रीक बन गए हैं कि जिम्स वगैरह की डिमांड बढ़ गई है। कुछ बिजनेस जो बंद हो गए, ऑर्गेनिक सॉरी जो हमारे कोल्ड ड्रिंक्स है, सॉफ्ट ड्रिंक्स है, जंक फूड है, उनका काम कम हो रहा है। इसकी जगह पे किसका काम बढ़ रहा है? डाइट सॉफ्ट ड्रिंक्स का, ऑर्गेनिक फूड का, इनका डिमांड बढ़ रहा है। तो कहने का मतलब क्या है कि जो हमारी सोसाइटी की एक्सपेक्टेशंस है, ट्रेंड्स है, वो बिजनेस अपॉर्चुनिटीज भी लेके आते हैं, वो थ्रेट्स भी लेके आते हैं। तो एक बिजनेस किस तरीके से अपने आप को इनके साथ फेस करेगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आइए जल्दी से इसको रीड करते हैं एंड देन आगे बढ़ते हैं। तो सोशल एनवायरमेंट में आइए, सोशल एनवायरमेंट ऑफ बिजनेस इंक्लूड सोशल फोर्सेस लाइक, अब इसको ब्लॉक में डालिएगा, कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस को एक ब्लॉक, ब्लॉक मतलब एक बॉक्स में डालिएगा, कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस। दूसरा,
वैल्यूज एक बॉक्स में डालिए, और तीसरा सोशल ट्रेंड्स एंड सोसाइटीज एक्सपेक्टेशंस। बच्चों अब आपके नोट्स में सेकंड, थर्ड और फोर्थ बुलेट जो है उन तीनों के लेफ्ट में एक एक लाइन एक एक वर्ड लिखना है। सेकंड बुलेट के लेफ्ट में लिखना है कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस, थर्ड बुलेट के लेफ्ट में लिखना है वैल्यूज, एंड फोर्थ बुलेट के लेफ्ट में लिखना है आपको सोसाइटीज एक्सपेक्टेशंस एंड सोशल ट्रेंड्स। ये मतलब कहने का मतलब क्या है कि अब अगले जो तीन पॉइंट है वो इन तीनों के बारे में एक एक एग्जांपल है। तो अगर आपने लिख लिया तो आगे चलते हैं। फॉर एग्जांपल ये हमारी बात किसकी हो रही है, कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस की। द सेलिब्रेशन ऑफ दिवाली, ईद, क्रिसमस एंड गुरु पर्व इन इंडिया प्रोवाइड सिग्निफिकेंट फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटीज फॉर ग्रीटिंग कार्ड कंपनीज, स्वीट्स एंड कन्फेक्शनरी मैन्युफैक्चरर्स। कन्फेक्शनरी कौन होते हैं, जो ये टॉफी चॉकलेट्स वगैरह बनाते हैं, टेलरिंग आउटलेट्स एंड मेनी अदर रिलेटेड बिजनेसेस। तो ये हो गया हमारा कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस का, अभी मैंने आपको बताया। वैल्यूज की बात करें तो पहले तो वैल्यू की डेफिनेशन को मार्क करिए, वन मार्क का क्वेश्चन एमसीक्यूज के लिए। वैल्यू रेफर्स टू द कॉन्सेप्ट्स दैट अ सोसाइटी होल्ड इन हाई एस्टीम। मतलब वैल्यू का मतलब क्या हुआ, ऐसी बातें जिनको ज्यादा वेटेज दी जाती है एक सोसाइटी में। इन इंडिया, पहले सबसे पहले ना आप इन इंडिया के बाद एक वर्ड ऐड करिए, इन इंडिया विमेन एम्पावरमेंट कॉमा इंडिविजुअल फ्रीडम सोशल जस्टिस इक्वालिटी एंड नेशनल इंटीग्रेशन आर एग्जाम्पल्स ऑफ मेजर वैल्यूज विच आर चेरिश्ड बाय ऑल। चेरिश्ड मतलब अप्रिशिएटेड बाय ऑल। तो उसमें मैंने आपको सारा बता ही दिया। इसके बाद सोशल ट्रेंड्स आइए, थर्ड जो हमारा पॉइंट है वो ट्रेंड्स के लिए है। सोशल ट्रेंड्स प्रेजेंट्स वेरियस अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स टू बिजनेस एंटरप्राइज। फॉर एग्जांपल द हेल्थ एंड फिटनेस ट्रेंड हैज क्रिएटेड अ डिमांड फॉर प्रोडक्ट्स लाइक ऑर्गेनिक फूड, डाइट, सॉफ्ट ड्रिंक एक्सेट्रा एंड फूड सप्लीमेंट्स। तो तीनों के बारे में हमने एक एग्जाम्पल भी कर लिया। तो इसके साथ हमारे दो एनवायरमेंट खत्म हो गए। अब एक बार जल्दी से इन दोनों एनवायरमेंट को फिर से देख लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं और अपना अगले तीन करते हैं। ओके बच्चों, तो अभी तक हमने अपनी दो डायमेंशंस कर ली है, सोशल एनवायरनमेंट एंड अपना इकोनॉमिकल एनवायरनमेंट। अपने आइए थर्ड डायमेंशन पर चलते हैं जिसका क्या नाम है, टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट। जल्दी से आइए टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट की बात करें। बहुत ही इजी है, एक बात बताइए टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट में क्या आएगा। सबसे सिंपल है, इनोवेशंस इन द फील्ड ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। जो भी काम करने के तरीकों को बेटर बना रही है, ऐसे नई इन्वेंशंस, नई टेक्नोलॉजी जो इनोवेशंस है जिससे कि काम आसान हो रहा है, और ना सिर्फ आसान हो रहा है बेटर हो रहा है, दैट कम्स अंडर टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट। और एक और बात मैं अगर आपको बोलूं, इससे अच्छा टाइम नहीं हो सकता इस चीज को समझने के लिए, क्योंकि इस टाइम पे आप खुद देख सोच के देखिए कितने बिजनेसेस का काम करने का तरीका बिल्कुल बदल चुका है। सबसे पहले बात करते हैं अपने ही बिजनेस की, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स की। तो आप देखिए कोचिंग इंस्टीट्यूट्स, कभी सोचा ही नहीं था कि हम इस तरीके से आपको जूम ऐप के थ्रू पढ़ाएंगे, बट अब पढ़ाना पड़ रहा है क्योंकि इट इज अ नीड ऑफ द आवर। तो टेक्नोलॉजी में जो भी बदलाव आ रहे हैं, टेक्नोलॉजी की वजह से जो भी हमारे बिजनेसेस करने के जो काम करने के तरीके बदल गए हैं, दैट इज टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट। और एक दो एग्जांपल ये हो गया। दूसरा एग्जांपल आपको जैसे एप्स है, बुक माई शो हम सब यूज करते हैं उसमें अपनी थिएटर बुकिंग्स कराने के लिए एक्सेट्रा। इसके अलावा जो हमारा एयरपोर्ट एयरलाइंस में जब हम कभी बाहर जा रहे होते हैं तो वेब चेक इन की फैसिलिटी है, वो सब चीजें आ गई। अपने आप टिकट्स ऑनलाइन बैठ के घर पे बैठ के बुक कर सकते हैं, वो आ गया। इसके अलावा और क्या हो सकता है कि आपने सीसीटीवी सिस्टम्स लगा दिया, उसको आप अपने घर से बैठ के अपनी पूरी इंडस्ट्री को वॉच कर रहे हैं, वो सब आ गया। प्लस एक और चीज, टारगेटेड एडवर्टाइजिंग, टारगेटेड मार्केटिंग। मैंने एक एड है जो मेरे को कुछ एक पर्टिकुलर लोगों को दिखाना है, सबको वो एड नहीं दिखाना, क्योंकि और लोगों के वो काम का ही नहीं है। तो मैं गूगल वगैरह के थ्रू टारगेटेड मार्केटिंग कर सकता हूँ। टारगेटेड मार्केटिंग का क्या मतलब है, आप लोगों ने एक्सपीरियंस भी किया होगा, जब आप फेसबुक खोलते हो या कोई भी अपना ऐसा कोई सोशल नेटवर्किंग साइट या कुछ भी ऐसा देखते हैं, ऑनलाइन जाते हो, तो वो ही एड्स दिखाता है, उन्हीं चीज़ों के प्रोडक्ट्स के एड्स दिखाता है जो कहीं ना कहीं आपने सर्च कर रखे हैं कुछ रिसेंटली पिछले टाइम पीरियड में। एक ही फेसबुक में अगर हम एक ही पेज खोलते हैं आप भी और मैं भी, तो उसके साइड में जो एड्स वगैरह आते हैं वो हो सकता है आपके पेज पर लगा रहे हो, मेरे पेज पर लगा रहे हो। दिस इज बिकॉज हो सकता है आपकी सर्च हिस्ट्री, आपने कुछ और चीज़ों में इंटरेस्ट दिखा रखा हो, मैंने पिछले कुछ एक दिनों में अलग चीज़ों में इंटरेस्ट दिखा रखा हो। इसे कहते हैं टारगेटेड ऑडियंस। और इससे देखिए कि बिजनेसमैन का कितना फायदा हो रहा है कि उसका एक तो वो एक मार्केटिंग में पैसा भी स्पेंड कर रहा है। और अगर मान लीजिए मैं मार्केटिंग में मैंने एक ऐड अपना एक ऐड बनाया अपनी कोचिंग का क्लास 12th के बच्चों के लिए, और वो चला गया 10th 11th 9th के बच्चों के लिए या क्लास 12th के नॉन कॉमर्स के बच्चों के लिए, तो उस पर कुछ नहीं होगा, वो भजिया तलने के काम ही आएगा। वो मम्मी उस ऐड को सुबह भजिया तल के उस पर तेल को ही सोख रही होगी, तो उसका फायदा नहीं है। मेरे पैसे भी लग गए, उसका कोई फायदा नहीं हुआ। लेकिन अगर मैंने एक ऐड बनाया, मैंने एक पैम्फलेट प्रिंट करवाया, और मुझे किसी तरीके से पता चल जाता है कि क्लास 12th के कॉमर्स के बच्चे इस एरिया में रहते हैं या इतने बजे वो
इधर इस इंस्टीट्यूट में आते हैं और मैं उस इंस्टीट्यूट के बाहर या उस एरिया के बाहर में अपने पैम्फलेट्स बंटवा दूं, तो मेरे ज़्यादा चांसेस होंगे मेरा पैम्फलेट सही लोगों के पास पहुंचने का। तो अगर हम अपने टारगेट ऑडियंस को अपना ऐड पहुंचा सके तो कितना अच्छा हमारे को रिस्पॉन्स मिलेगा, तो वो टेक्नोलॉजिकली बहुत ईजी है। गूगल इस तरीके की सर्विस प्रोवाइड करता है जहाँ पे आप अपने प्रमोशंस को एक पर्टिकुलर फिल्टर्स लगा के एक पर्टिकुलर डेस्टिनेशन पे पहुंचा सकते हैं जहां से आपको सबसे ज्यादा रिस्पांस मिल सकता है। तो क्या हम ये बोल सकते हैं कि इससे बिजनेस करने का तरीका बहुत ज्यादा इम्प्रूवाइज हो चुका है, बहुत ज्यादा इफेक्टिव हो चुका है, एफिशिएंट हो चुका है। तो आइए जल्दी से टेक्नोलॉजिकल एनवायरमेंट पढ़ते हैं, देन आगे के अपने दो एनवायरमेंट पढ़ते हैं। आइए, टेक्नोलॉजिकल एनवायरमेंट इंक्लूड्स फोर्सेस रिलेटिंग टू, अब अंडरलाइन करिएगा, साइंटिफिक इंप्रूवमेंट एंड इनोवेशंस, साइंटिफिक इंप्रूवमेंट एंड इनोवेशंस व्हिच प्रोवाइड न्यू वेज ऑफ प्रोड्यूसिंग गुड्स एंड सर्विसेज एंड न्यू मेथड्स एंड टेक्निक्स ऑफ ऑपरेटिंग अ बिजनेस। तो मतलब नए नए तरीके जिससे बिजनेस, जिससे हम नए प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज को बना सकते हैं एंड नए तरीके जिससे हम बिजनेस को ऑपरेट कर सकते हैं। जैसे अभी ये जूम ऐप है, और जूम ऐप तो चलो बाहर की हो गई, हमारे इंडिया की भी बहुत सारी अपने नमस्ते ऐप बनाई है एक्सेट्रा। तो जो ये एप्स है जैसे व्हाट्सएप है, बाहर की है, हमारा इंडिया का उसका टेलीग्राम वगैरह है, और भी हमारी एप्स है। तो ये जो एप्स हमारी, ये जो हमारी सारी एप्स वगैरह है जिससे हमारा बिजनेस बहुत आसान हो रहा है, दैट इज व्हाट दे आर सेइंग, न्यू वेज ऑफ डूइंग बिजनेस एंड न्यू वेज ऑफ प्रोड्यूसिंग गुड्स एंड सर्विसेज। ओके, आगे चलते हैं। For example, recent technological advances in computers and electronics have modified the ways in which companies advertise their products. मैंने आपको बहुत अच्छा इसका example दिया। आगे, airline companies have internet and worldwide web pages where the customers can look for flight timings, fares and also book their tickets online. और आजकल तो web check-in भी हो गया है। आजकल आपको एक और बात बताते हैं, आजकल आप अपने meals वगैरह जो है कि मुझे यही meal चाहिए, मतलब मेरे को इस station पे ये meal चाहिए, आप इतना कुछ plan कर सकते हो railways में कि आप Domino's का पिज्जा भी खा सकते हो और ये सब सबवे के सब्ज भी खा सकते हो रेलवेज में। वो किस तरीके से पॉसिबल हो पाया कि आपको IRCTC की ऐप पे जाना है, उनकी एक ऐप वो है, एक उनका सेगमेंट है मील्स ऑन द व्हील्स, वहां पे आपको जाना है, आप उनको बता दीजिए कि मैं इधर से इधर तक ट्रैवल कर रहा हूँ, इस स्टेट को ट्रैवल कर रहा हूँ, आप अपना PNR नंबर उनको दे दीजिए, फिर वो कुछ ऑप्शन बताएंगे कि इस स्टेशन पर आपको यही ऑप्शन मिल सकते हैं मील्स के, आप जो सा जो भी आपको कन्वीनियंट लगे आप उस स्टेशन का वो ऑप्शन ले लीजिए, और जैसे ही ट्रेन उधर पहुंचेगी किसी के और के लिए नहीं लेकिन आपके लिए एक स्पेशल मील डिलीवर होएगी। तो ये सब कैसे हो पाया पॉसिबल? ये सब पॉसिबल टेक्नोलॉजी की वजह से ही हो पाया है। ओके बच्चे, तो आइए, टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट हमारा बहुत आसान, बहुत इजी था, आपने अच्छे से, आपको समझ भी आ गया होगा, अगर नहीं आया तो एक बार फिर से थोड़ा सा इसको पीछे बैक करके उसको सुन लीजिए, अदरवाइज हम आगे बढ़ते हैं। ओके, आइए, तो नेक्स्ट जो हमारा एनवायरनमेंट है वो है हमारा पॉलिटिकल एनवायरनमेंट। बेटा पॉलिटिकल एनवायरनमेंट थोड़ा सा हमें समझना है, तो एक बार थोड़ा सा ध्यान देना है यहाँ पे। पॉलिटिकल एनवायरनमेंट में दो चीजें आती हैं। पहली चीज तो पॉलिटिकल एनवायरनमेंट में आती है जनरल स्टेबिलिटी एंड पीस इन द कंट्री। और दूसरी जो चीज है वो आती है एटीट्यूड ऑफ स्पेसिफिक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स। दोनों ही टर्म्स थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है तो मैं आपको समझाता हूं। मान लीजिए, थोड़ा सा एजम्पशन से समझाऊंगा क्योंकि मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी के बारे में कुछ नहीं बोलना चाहता, मैं आपको थोड़ी सी एजम्पशन लेकर समझाऊंगा। मान लीजिए अभी हमारी एक रूलिंग पार्टी है और नेक्स्ट ईयर इलेक्शन होने हैं, और ये जो रूलिंग पार्टी अभी है, नेक्स्ट ईयर इलेक्शन होगी, जो ये रूलिंग पार्टी है ये ज्यादा मतलब पब्लिक फेवर में नहीं, इसके पास नहीं है, ठीक है, ज्यादा पब्लिक फेवर इसके पास नहीं है, हो सकता है मतलब मिक्स्ड ओपिनियंस है, आ भी सकती है अगले साल सत्ता में, हो सकता है ना भी आए। अब एक कंपनी, आप एक बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो, बड़ा बिजनेस, बड़े लेवल का बिजनेस आपको करना है, और उसके लिए आपको पता है कि जो टेंडर्स वगैरह है आपको उसके लिए थोड़ी बहुत ब्राइब देनी पड़ेगी, जो पॉलिटिशियंस वगैरह है, जो पॉलिटिकल पार्टीज है, आपको उसको ब्राइब देना पड़ेगा। अब आपके पास दो ऑप्शन है, मतलब मान लीजिए नेक्स्ट ईयर जो इलेक्शन है उसको भी 10 months बचे, और 10 months के बाद एक दो महीने अकाउंटिंग वगैरह में लगा के, मतलब मान लीजिए 12 महीने में पता चलेगा पूरे एक साल बाद कि कौन सी सरकार बदलेगी या वही रहेगी। अब एक देख, दो ऑप्शन आपके पास, अगर आप इस जो भी पार्टी है उसी को वो दे देते हैं, थोड़ा बहुत ब्राइब दे देते हैं और उससे टेंडर्स वगैरह ले लेते हैं,
और उससे सारे लाइसेंसेस ले लेते हैं। आपको आपने एक बिजनेस स्टार्ट करना है जिसके लाइसेंस थोड़े आपको नहीं मिलेंगे क्योंकि आपका पेपर वर्क इतना अच्छा नहीं है, लेकिन आपको पता है कि मैं थोड़ी बूस्ट ला के अपना लाइसेंस ले लूंगा। तो मान लीजिए आपने ले लिए, आपने वो लाइसेंस भी ले लिए और आपने बिजनेस स्टार्ट कर दिया। एक साल हुआ, अगले साल इलेक्शन हुए और पता चला ये सरकार चली गई, दूसरी सरकार आती है और सबसे पहले वो लाइसेंसेस को कैंसिल करती है जो कि इलीगल तरीके से बांटे गए हैं, क्योंकि पता चल गया इंक्वायरी हुई और पता चल गया कि आपका लाइसेंस इलीगल था। तो पहली बात तो आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो डूब गई, दूसरी बात आपने जो ब्राइब दी थी वो भी खत्म हो गई, क्योंकि आप किसी को बोल थोड़ी ना पाओगे कि जी हमने तो ब्राइब दी थी, उसको घूस दी थी, वो चला गया, खत्म। अब दूसरा ऑप्शन है कि आप एक साल तो रुक जाओ, जहां इतना अभी आप रुके हुए हो तो एक साल और रुक जाओ, अगले साल देख लो कौन सी पॉलिटिकल पार्टी आ रही है, जो है वही आ रही है या कोई नई। देखो भाई, आपका कोई सगा तो रिश्तेदार है नहीं ना कि जी आपको तो इसी को घूस देनी है, अब घूस देनी है, अब सामने जो बाबू बैठे है उसको घूस दे देंगे। तो अगर आपको लगता है, मान लीजिए जो नई पार्टी आ गई आपने उसको घूस दे दी, अब अगले कम से कम 5 साल तो वो टिकेगी क्योंकि 5 साल के बाद इलेक्शन होगी, तो 5 साल में आप अपने बिजनेस को इतना चला ही लोगे कि उससे अपनी जो अपने ब्राइब दी है वो भी रिकवर हो जाएगी, प्लस आपकी इन्वेस्टमेंट भी रिकवर हो जाएगी। तो ये ऑप्शन ज्यादा बेटर है या ये ऑप्शन बेटर है कि जी आपने अभी पता ही नहीं अगले साल कौन आएगा और आपने पॉलिटिकल पार्टीज को ब्राइब भी कर दी। कहने का मतलब क्या है, अगर तो, और दूसरा ऑप्शन, दूसरी एक ये तो एक सिनेरियो हो गया। दूसरा सिनेरियो कि आपको पता है कि अभी जो रूलिंग पार्टी है वो बहुत ज्यादा पब्लिक फेवर में है, अगले ये अभी 3-4 साल पर टिकेगी और प्लस हो सकता है अगली टर्म में भी आ जाए। तो इसको हम क्या कहेंगे, जनरल स्टेबिलिटी एंड पीस, मतलब देश में स्टेबिलिटी है और पीस है। तो इस तरीके के टाइम में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, आप बिजनेस में इन्वेस्ट करना पसंद करोगे, क्योंकि आप बिजनेस में इसलिए इन्वेस्ट करना पसंद करोगे क्योंकि आपको पता है कि मैं जब तक वो पार्टी अगर कभी बदलेगी तो मैं रिकवर कर लूंगा। तो अगर जनरल स्टेबिलिटी एंड पीस है तो बिजनेसमैन का कॉन्फिडेंस बूस्ट अप होता है, और अगर जनरल स्टेबिलिटी एंड पीस नहीं है तो बिजनेसमैन का जो कॉन्फिडेंस है वो शेक होता है। अब आइए, ये तो हो गया एक पार्ट, अब आइए दूसरा, एटीट्यूड ऑफ स्पेसिफिक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव। इसको भी समझने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। आपको शायद थोड़ा बहुत पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में पता हो, तो किसी भी, जैसे हम अपनी कंट्री की बात करते हैं, यहाँ पे 3 तरीके की पार्टीज वो होती है, मतलब सरकार होती है। एक होती है सेंट्रल गवर्नमेंट, एक होती है स्टेट, और एक जो आपकी लोकल, जो डिस्ट्रिक्ट कह लीजिए या लोकल कह लीजिए। अब मैं आपको एग्जाम्पल से समझाता हूँ। मान लीजिए तो मेरा बिजनेस जो है वो पीतमपुरा एरिया में, मैं रहता कहाँ पे हूँ, मेरा बिजनेस है पीतमपुरा में, मैं रहता हूँ दिल्ली में, और दिल्ली आती कहाँ है, इंडिया में। अब इंडिया की सेंटर की गवर्नमेंट कौन है, हम सबको पता है, मोदी साहब, बीजेपी। दिल्ली की स्टेट गवर्नमेंट कौन सी है, आप। और मान लीजिए पीतमपुरा, लेट अस अज्यूम, जो मेरा एरिया, वहां का एमएलए कौन है, मान लीजिए वो है कांग्रेस का, ठीक है जी। अब मान लीजिए बीजेपी वाले कह रहे हैं कि जी कोचिंग इंस्टीट्यूट होने चाहिए, कोचिंग इंस्टीट्यूट अच्छे हैं, हम सब तरीके की हेल्प करेंगे बीजेपी कोचिंग इंस्टीट्यूट। स्टेट गवर्नमेंट भी कह रही है जी कोचिंग इंस्टीट्यूट तो होने चाहिए स्टेट में, कोचिंग इंस्टीट्यूट से बच्चे पढ़ते हैं, बड़ा उनकी नॉलेज बढ़ती है। लेकिन ये एमएलए कह रहा है, कांग्रेस कह रहा वाला, कि जी मैं पीतमपुरा में कोचिंग इंस्टीट्यूट को आगे नहीं बढ़ने दूंगा, क्योंकि मैंने तो इतने अच्छे अच्छे स्कूल बनाए हैं, इतना पैसा एजुकेशन में लगाया है, बच्चे वहां पढ़े ना, यहां क्यों पढ़ना है। अब एक बात कहिए, बीजेपी मेरे को सपोर्ट कर रही है, आप मेरे बिजनेस को सपोर्ट कर रही है, बट मेरा बिजनेस का जो मेरा एरिया का जो एमएलए है वो मुझे सपोर्ट नहीं कर रहा, तो क्या मैं फ्लरिश कर पाऊंगा बिजनेस को, नहीं। रोज के रोज ये कोई ना कोई आके, इसके लोग आके मेरे बिजनेस को क्या करते रहेंगे, कॉन्स्ट्रेंट लगाते रहेंगे। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि इससे फर्क नहीं पड़ता कि सेंटर पे कौन है या स्टेट पे कौन है, फर्क पड़ता है आपके एरिया का इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, क्योंकि मैंने वोट ना तो इसको दिया, मैंने, आप जब भी वोट देने जाते, शायद आप लोगों ने में से कोई लोग दिया हो आप लोगों ने पिछले साल, जब हम वोट देने जाते हैं तो ना तो हम मोदी के लिए वोट देते हैं, मोदी जी के लिए, ना ही हम केजरीवाल जी के लिए वोट देते हैं, हम देते हैं वोट अपने एरिया के रिप्रेजेंटेटिव के लिए वोट देते हैं। मुझे नहीं पता कि वो रिप्रेजेंटेटिव मुझे सपोर्ट करेगा या नहीं करेगा, अगर वो रिप्रेजेंटेटिव मेरे बिजनेस के फेवर में है तब तो मेरा बिजनेस बहुत फ्लरिश करेगा, और अगर वो मेरे फेवर में नहीं है तो मेरा बिजनेस फ्लरिश नहीं करेगा। तो इसका एक एग्जांपल जो आपके एनसीईआरटी में है वो ये था कि 1990s में, जब ये एलपीजी के आने के बाद भी, बाहर की कंट्रीज की, जो बाहर की जो कंट्रीज है और उधर की जो कंपनीज है, वो इंडिया में आके अपना बिजनेस नहीं सेटअप कर पाई। क्यों? क्योंकि सेंटर ने तो उनको अप्रूवल दे दी थी, स्टेट और जो लोकल थी वो उनको अप्रूवल ही नहीं देते थे। अगेन इट वॉज ऑल अ ब्राइट गेम। तो आइए जल्दी से एक बार पढ़ते हैं इसको। पॉलिटिकल एनवायरमेंट को इंपॉर्टेंट मार्क करिए। पॉलिटिकल एनवायरमेंट इंक्लूड पॉलिटिकल कंडीशंस सच एज
जन अब पहला बॉक्स बनाइए जनरल स्टेबिलिटी एंड पीस इन द कंट्री, और दूसरा बॉक्स बनाइए एटीट्यूड ऑफ स्पेसिफिक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होल्ड टुवर्ड्स योर बिजनेस। अब दो बुलेट्स हैं, दोनों बुलेट के आगे एक एक वर्ड लिखिए लेफ्ट में, जैसे पहले वाले के लेफ्ट में लिखिए जनरल स्टेबिलिटी एंड पीस, दूसरे के लेफ्ट में लिखिए एटीट्यूड ऑफ स्पेसिफिक जनरल स्पेसिफिक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव। ओके, दोनों के बारे में पढ़ते हैं। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी दस बिल्ड्स अप द कॉन्फिडेंस अमंगस्ट द बिजनेस पीपल टू इन्वेस्ट इन द लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स फॉर द ग्रोथ ऑफ द इकोनॉमी। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी कैन शेक दैट कॉन्फिडेंस। And dusra, the attitude of the government officials towards business may have either positive or negative impact. For example, even after opening up of our economy in 1991, foreign companies found it extremely difficult to cut through the bureaucratic red tapeism to get permits to do business in India. But the bureaucratic red tapeism ka matlab maine shayad aapko pehle bhi bataya, bureaucracy ka matlab hota hai पॉलिटिकल प्रेशर, एंड रेड टेपिज्म का मतलब होता है अनड्यूली डिले, अनड्यू डिले। तो बेसिकली क्या होता था, जब वो लोग बाहर की कंपनीज आती थी कि जी हमें परमिट्स चाहिए बिजनेस करने के लिए, तो ब्राइब के लिए वजह से वो बस ड्यू डिले करते रहते थे कि आपका ये पेपर नहीं आ जाएगा, वो पेपर नहीं आ जाएगा, ये नहीं आ जाएगा, वो नहीं है, क्योंकि उनको ब्राइब चाहिए होती थी। कुछ कंपनीज दे देती थी, कुछ नहीं देती थी, मतलब कुछ ना कुछ लगा रहता था। मतलब सेंटर उनको सपोर्ट कर रहा था, सेंटर ने बोला कि जी हम तो चाहते हैं कि बाहर की कंपनीज आए और एलपीजी का जो चीज हम सिद्धांत हम लेके आए हैं वो बढ़े, लेकिन उसके बाद भी बाहर की कंपनीज नहीं आ पाती थी जस्ट बिकॉज ये सेंट्रल की गवर्नमेंट और सॉरी स्टेट गवर्नमेंट एंड अदर लोकल गवर्नमेंट्स उनको सपोर्ट नहीं करती थी। ओके बच्चों, अब आइए जल्दी से अपने लास्ट एनवायरमेंट पे चलते हैं, फिर इसको रिकैप करेंगे इसका एक कुछ, मैं आपको इसके बारे में क्वेश्चंस लिख लेता हूं। आइए, लास्ट हमारा है लीगल एनवायरमेंट। लीगल एनवायरमेंट बेसिकली कुछ भी नहीं, बहुत ही इजी है। लीगल एनवायरमेंट कहता है कि जो भी लॉज पास हुए हैं, चाहे वो लेबर लॉज हो, चाहे वो इनकम टैक्स हो, चाहे वो वेल्थ टैक्स हो, चाहे वो कोई भी लॉज हो, कोई भी जो लॉज पास हुए हैं उसकी एडिक्वेट नॉलेज होनी चाहिए एक बिजनेसमैन को। अगर उसकी किसी भी लॉ की कोई भी कंडीशन को वॉयलेट कर दिया जाता है तो आपके ऊपर कार्रवाई हो सकती है, फाइन तो लग ही सकता है, प्रोसिक्यूशन भी हो सकता है, प्रोसिक्यूशन मतलब जेल भी आपको जाना पड़ सकता है। तो आइए जल्दी से बस को रीड करते हैं, फिर मैं आपको कुछ इसका क्वेश्चन लिखा होगा। आइए, लीगल एनवायरमेंट इन्वॉल्व्स इंक्लूड्स वेरियस लेजिस्लेशन पास बाय गवर्नमेंट, कॉमा लगा दीजिए यहाँ पे एक बार, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर्स इशूड बाय गवर्नमेंट अथॉरिटीज, कोर्ट जजमेंट्स एक्सेट्रा, एंड एडुकेट नॉलेज ऑफ ऑल दीज रूल्स एंड रेगुलेशन फॉर्म बाय द गवर्नमेंट इज अ प्रीरिक्विजिट, मतलब प्रीरिक्विजिट मतलब मैंडेटरी फॉर बेटर बिजनेस परफॉर्मेंस। तीसरा पॉइंट, नॉन कंप्लायंस ऑफ दीज लॉज कैन लैंड द बिजनेस इन टू लीगल प्रॉब्लम्स। तो ये हमारा था एक पूरा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डायमेंशन। अब दो बातें उठती है, एक तो क्वेश्चन आता है, लिखना चाहे तो आप लिख भी लीजिए इसको, वन मार्क का क्वेश्चन आता है, व्हाट लिखिए जल्दी से, व्हाट डज द सोशल एनवायरनमेंट ऑफ एन बिजनेस कॉम्प्राइजेस ऑफ। तो आप लिखेंगे सोशल एनवायरनमेंट कॉम्प्राइजेस ऑफ, जो हमारी तीन फोर्सेस थी ये लिखेंगे, कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस, वैल्यूज, ट्रेंड्स एंड सोसाइटीज एक्सपेक्टेशंस। तो अगर आपसे एक मांगे तो आप कोई भी तीनों से एक दे सकते हो, अगर आपसे तीनों तीन मांगे तो तीन दीजिए, अगर आपसे दो मांगे तो कोई भी दो दीजिए। ऐसे क्वेश्चन बन सकता है, व्हाट डज द पॉलिटिकल एनवायरनमेंट ऑफ अ बिजनेस कॉम्प्राइजेस ऑफ। तो आपका आंसर क्या होगा, इट कॉम्प्राइजेस ऑफ जनरल स्टेबिलिटी एंड पीस, फोर्सेज लाइक जनरल स्टेबिलिटी एंड पीस, एंड और एटीट्यूड ऑफ स्पेसिफिक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव टुवर्ड्स योर बिजनेस। तो अगर एक मांगे तो एक, अगर दोनों मांगे तो दो। पहला तो हो गया ये क्वेश्चन। अब बात आती है कि सर हम इसको आइडेंटिफाई कैसे करें। तो बच्चों, इसको आइडेंटिफाई करने का बेस्ट तरीका है, जैसे आपके पास एक स्टेटमेंट आए उसको हिंदी में कन्वर्ट करिए, मन में हिंदी में कन्वर्ट करिए, और देखिए कि कोई भी जो 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 चीज हो रही है वो किस वजह से हो रही है, वजह को पकड़ना है। मैं आपको एक दो एग्जाम्पल्स लिखवाऊंगा। मैं कहता हूं सेंसेक्स, कल सेंसेक्स बढ़ा 1000 पॉइंट, ये कौन सा एनवायरमेंट होगा, सिंपल इकोनॉमिक एनवायरमेंट। अब मैं बोलता हूँ कल सेंसेस पड़ा 1000 पॉइंट क्योंकि कल इलेक्शन के रिजल्ट्स आए, ड्यू टू द रिजल्ट्स डिक्लेयर्ड बाय द डिक्लेयर्ड इलेक्शन रिजल्ट्स डिक्लेयर्ड। अब बताइए सेंसेस बढ़ने का वजह क्या थी, पॉलिटिकल। तो आपका आंसर भी क्या हो जाएगा, पॉलिटिकल। आई बात समझ में? तो एक और एग्जाम्पल देता हूँ, इंडिया में 500 हजार के नोट नहीं चलते, ये क्या है, इकोनॉमिक। मैं फिर इस लाइन को रिप्लेस करता हूँ, इंडिया में 500 हजार के नोट नहीं चलते आफ्टर द अनाउंसमेंट मेड बाय बीजेपी लीडर, ये क्या हो गया, पॉलिटिकल। और अगर मैं बोलूं इंडिया में 500 हजार के नोट नहीं चलते बिकॉज ऑफ द डीमोनेटाइजेशन एक्ट या लॉ पास्ड बाय आरबीआई, ये क्या हो जाएगा, लीगल एनवायरमेंट। एक और, दिल्ली मेट्रो में बैठना के फ्लोर पे बैठना नहीं चाहिए, ये क्या है, सोशल एनवायरमेंट, सिंपल। दिल्ली मेट्रो के फ्लोर पे बैठना प्रोहिबिटेड है एज पर डीएमआरसी एक्ट,
ये क्या बन जाएगा हमारा लीगल। तो अगर आपको ये चीज समझ आ गई है अच्छे से तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि एक बार सारा पिछले का ये जितना भी मैंने करवाया है इसको आप एक बार अच्छे से सुनिएगा। कोई भी डाउट आता है तो आप मुझे व्हाट्सएप कर दीजिए या कुछ भी किसी भी तरीके से मेरे पास उसको पहुंचा दीजिए। अब मैं आपको बताता हूँ कि हमारे नेक्स्ट वीडियो में क्या होगा। हमारे नेक्स्ट वीडियो में जो टॉपिक है वो होगा हमारा LPG और उसका इम्पैक्ट। ठीक है बच्चों, इसके बाद मेरी आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि जितना भी हमने डायमेंशंस और इससे पहले डेफिनेशन की थी वो डेफिनेशन आप 5 बार लिखिए और इन डायमेंशंस को एक बार सारा लिख लीजिए। एक बार आपने डायमेंशंस लिख ली आपको बिल्कुल बाय हार्ट ये याद हो जाएगी। और अगेन मेरी जैसे हमेशा आपसे कहता हूँ कि जब तक मेरा नेक्स्ट वीडियो नहीं आता स्टे सेफ एंड स्टे एक्साइटेड। बाय बाय।